के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं, मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। के चाय वाले बाबू को मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए, उसे ले जाइए किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे, इससे बेहतर है कि उसे के चाय वाले बाबू। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार है ना, बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं। आप के जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे रहे हैं, तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशी अब करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वह एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर वेटर जो है वो बिल लेके आया। तो उसने कहा ये बिल लेके आया, और यहां तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले कि आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए, कंजूसी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, के जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, के झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो दो मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे। के झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिम वक्त से हमें कम
पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा एक, हाँ वो भी सुना दूंगा। हाँ ये बहुत अच्छी बात, एक सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2-3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें, मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूं। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं है, ये आपकी विरासत है, और न जाने कितने साल कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहां से तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का 75 साल का दर्द महसूस करता हूं, तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं फिर वो नज्म सुनाता हूं। जी। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। तारीख हम कितना भी सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें, मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है। वाह। के रह गया किस लिए